राज्यपाल मंगूभाई पटेल की तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें भोपाल एम्स में भर्ती करवाया गया। दरअसल वायरल फीवर के चलते उनकी तबियत कुछ नासाज बताई जा रही है। राज्यपाल मध्य प्रदेश मंगूभाई पटेल को भोपाल एम्स में एडमिट करवाया गया था। अभी जानकारी मिल रही है कि वायरल फीवर होने के चलते उनकी तबियत कुछ नासाज है, जिसके चलते उन्हें एम्स में भर्ती करवाया गया है। भोपाल एम्स में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। वायरल फीवर के चलते अभी भोपाल एम्स में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल की तबियत कुछ नासाज है, उनकी तबियत में वायरल फीवर की शिकायत बताई जा रही है। और राज्यपाल मंगूभाई पटेल की अभी फिलहाल उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। एम्स भोपाल में उनका इलाज चल रहा है। वायरल फीवर के चलते उनकी तबीयत बिगड़ी थी और ऐसे में उन्हें भोपाल एम्स में एडमिट करवाया गया है। भोपाल एम्स में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है फिलहाल। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल की तबीयत खराब होने की बात सामने आई थी और उनके वायरल फीवर होने पर उन्हें भोपाल एम्स में एडमिट करवाया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यपाल मंगूभाई पटेल की और अभी तबीयत कैसी है, क्या कुछ है स्थिति, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए चलेंगे हमारे सहयोगी वासु चौरे के पास। वासु, कब से ये फीवर आ रहा था उन्हें और क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही है? ये कि जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल है मंगूभाई पटेल, उन्हें एम्स भोपाल में एडमिट किया गया है और वायरल फीवर की शिकायत के बाद उन्हें एडमिट किया गया है। लिहाजा डॉक्टर्स की टीम लगातार उनके स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग करने का काम कर रही है और डॉक्टर्स का ये फिलहाल कहना है कि वो उनकी हालत जो है वो ठीक है, उनका स्वास्थ्य जो है वो ठीक बना हुआ है और जल्द ही उनकी रिकवरी भी हो जाएगी और एहतियातन अंडर मेडिकल मॉनिटरिंग उनको रखा गया है और तबीयत में जैसे ही सुधार होता है उन्हें अस्पताल से फिर डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। तो अच्छी बात यह है कि कोई गंभीर समस्या का जिक्र अभी तक डॉक्टरों की ओर से नहीं किया गया है और एहतियातन डॉक्टर जो है वो मंगूभाई पटेल की तब पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तमाम जो टेस्ट हैं वो कराए जा रहे हैं। जल्द ही मुझे लगता है कि अस्पताल से उन्हें रिलीव भी कर दिया जाएगा, जिस तरीके का इनपुट आ रहा है। बहुत शुक्रिया वासु आपका इस जानकारी के लिए, नजर आप बनाए रखिएगा, आगे डिटेल्स आपसे लेते रहेंगे। और चलिए